आप देख रहे हैं आप पर हमारा अपना रक्षक यूट्यूब चैनल वीडियो चल रहा है चैनल अक्षय दुर्गा के जाइएगा चलते जी आज वीडियो डटला इंडिया फास्टेस्ट रैपिड रेल बिजनेस क्लास जर्नी इंडिया की सबसे बिजनेस क्लास जर्नी जो रेल है तेज ट्रेन जो है रैपिड रेल उसकी देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर एक्शन। ओ भाई क्या लुक है। ये क्या 150 हो जाएगा क्या 150? ये ग्रीन हो गया तभी आपको क्लिक करना है। गुड मॉर्निंग एवरीवन और स्वागत है आप सभी लोग का मेरे रिकॉर्ड नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग का शुरुआत वापस से लेट हो रहा है क्योंकि भाई सुबह उठने में काफी लेट हो जाता है। फिलहाल अभी हम लोगों ने कैब बुक कर लिया है। वीडियो के टाइटल और थंबनेल देखकर आपको आइडिया लग गया होगा आज आप लोग क्या वीडियो देखने वाले हो। तो मैं बता दूं आज हम लोग फाइनली रैपिड रेल को कवर करने वाले हैं। भाई वैसे तो इनॉग्रल इसका शायद अक्टूबर में हुआ था, हम लोग अभी जनवरी में कवर करेंगे। तो चलो कोई नहीं, एक आइडिया मिल जाएगा किस टाइप का अभी सर्विस है नहीं है। फिलहाल अभी हम लोगों ने कैब ऑलरेडी बुक कर लिया है, कैब आ रहा है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर हमें सबसे पहले अभी साहिबाबाद जाना पड़ेगा। और मैं बता दूं आप लोगों को अगर मेरा इस टाइप का वीडियोस वगैरह पसंद आता है ना तो वीडियो को लाइक किया करो। और बहुत जल्द हमारे चैनल में एक काफी कमाल का सीरीज स्टार्ट होने वाला है जो कि आपको आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दिया करो अगर आपको मेरा वीडियोस वगैरह पसंद आता है तो। और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा। फिलहाल जाते हैं बाहर, फटाफट कैब लेते हैं और एक ही बार कैब में बैठ के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। चलो जी अभी हम लोगों ने कैब ले लिया है और यहाँ से लगभग 19 किलोमीटर है हमारा डेस्टिनेशन जो कि है साहिबाबाद RRTS स्टेशन। ऑल राइट, तो फाइनली अभी हम लोग पहुंच चुके हैं साहिबाबाद RRTS स्टेशन। यहाँ का माहौल देखकर लग रहा है पता नहीं बंद ना हो, कोई नहीं है भाई, देख लो पूरा खाली खाली सा है। यही स्टेशन है, पता नहीं जाते हैं ऊपर पता करते हैं। लोग तो दिख रहे हैं, कुछ एकाध लोग दिख रहे हैं हमें। ये देख लो रैपिड एक्स साहिबाबाद ट्रांजिट सर्विस भाई NCRTC। अभी जाते हैं अंदर टिकट वगैरह कराते हैं क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है देखो स्टेशन एंट्रेंस। यहाँ से स्टेशन एंट्रेंस, ये एंट्रेंस है देख लो। अदरवाइज लिफ्ट का भी ऑप्शन है जिसको थोड़ा चलने में प्रॉब्लम है, लिफ्ट भी है वहां से। व्हील चेयर एक्सेस भी है क्योंकि वहां से देख लो आराम से जा सकता है। और सामने की तरफ आपको पार्किंग भी मिल जाएगा, ये काफी बढ़िया है भाई। ये तो मेट्रो स्टेशन से भी एडवांस लग रहा है। दुहाई डिपो के लिए 4:22 का है लेकिन हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे, 4:20 हो गया। और एक 4:23 का है और 4:43 का है, भागते हैं फटाफट। ऐसा कुछ अंदर का एंट्रेंस है देख लो, सीढ़ी से भी जा सकते हो, एक्सेलेटर से भी जा सकते हो। मस्त एकदम सजा कर रखा हुआ है देखो। अभी मेरे को लग रहा है ना उतना लोग यूज करते नहीं है इसलिए इतना सब साफ सुथरा खाली खाली है। मस्त ऊपर देख लो फ्लावर पॉट वगैरह देकर रखा है इन्होंने। अभी आपको दिखाते हैं टिकट वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा। 4:22 वाला लेना मुश्किल है भाई, 4:20 तो यही हो गया। देख लो लिफ्ट से अगर आप आते हो ना तो आप यहाँ से बाहर आओगे तो देख लो इस वाले साइड प्लेटफॉर्म है, इधर टिकट लेना होगा हमें। तो सबसे पहले टिकट लेते हैं दोठो। इंडिया फर्स्ट RRTS, मोदी जी के साथ आप फोटो ले सकते हो। हम लेंगे लेकिन पहले टिकट लेते हैं। टिकट लेने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा देखते हैं। स्क्रीन पे टच कर दिया मैंने, स्टैंडर्ड प्रीमियम। अभी प्रीमियम लेते हैं, आते समय स्टैंडर्ड लेंगे। तो यहाँ पे दो कैटेगरी है, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। प्रीमियम लेते हैं अभी। बस देख लो इतना लंबा रूट है, वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। लेकिन अभी ऑपरेशनल बस साहिबाबाद से दुहाई तक ही है, दुहाई डिपो तक। तो मैं क्या करता हूँ दुहाई तक ले लेते हैं भाई। सिंगल जर्नी भी ले सकते हो आप, रिटर्न जर्नी भी ले सकते हो। तो हम लोग सिंगल ही ले रहे हैं अभी दो टिकट। अब पेमेंट आप देख लो UPI के थ्रू भी कर सकते हो, अदरवाइज बैंक कार्ड, हम UPI से ही करेंगे भाई। अब यहाँ पे हमको स्कैन करना होगा देख लो, इसको करते हैं फटाफट स्कैन। 160 रुपया लग रहा है भाई दो लोगों का। हाँ चलो पेमेंट तो हो गया, प्लीज वेट, आ गया टिकट आ गया। तो यहाँ पे देख लो प्रीमियम क्लास का हम लोगों ने टिकट ले लिया है। स्टेशन साहिबाबाद से दुहाई के लिए सिंगल जर्नी है 80 रुपए करके। यहाँ पे रिसिप्ट भी ले सकते हो, तो मैं रिसिप्ट भी मुझे चाहिए इसका। ये देख लो मेरा पेमेंट का रिसिप्ट भी मिल गया मुझे। यहाँ से एंट्री है हमारा, जाते हैं अंदर। सिक्योरिटी है तो कैमरा बंद करते हैं अभी। चलो भाई अब ये टिकट को स्कैन करके हमें अंदर जाना पड़ेगा। कुछ नहीं, ये जो बार कोड देख रहे हो ना इसको स्कैन कर दो, गेट खुल गया। चलो और ये कुछ इसका रूट होने वाला है देख लो पूरा, लेकिन अभी पूरे रूट के लिए ओपन नहीं है, धीरे धीरे काम चल रहा है। और यहाँ पे ना वो वेंडिंग मशीन भी है, आप चाहो तो अपने लिए कुछ ले सकते हो यहाँ से। ये चीज सही है यार, मतलब मजा मस्त एकदम खाते पीते जाओ, काफी इजी होता है। एयरपोर्ट में भी आप लोगों ने कभी ना कभी इसको यूज करा ही होगा और UPI के थ्रू आप पेमेंट भी कर सकते हो। चलो हम लोग अभी आगे की तरफ चलते हैं, जर्नी करते हैं पहले। अभी हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और जैसे मेट्रो में होता है ना दो प्लेटफॉर्म, इसमें भी वैसे ही सेम दो प्लेटफॉर्म है, एक उस वाले साइड एक इस वाले साइड। और वो जो एक सेफ गार्ड लगा रहता है ना मेट्रो में, ठीक उसी तरीके से यहाँ भी लगा हुआ है। ओ भाई क्या लुक है।
भाई साहब क्या ट्रेन है ये, किसी फॉरेन कंट्री की ट्रेन लग रही है। अब अपना देखना पड़ेगा प्रीमियम क्लास कहाँ पे है। ये देख लो ऑटोमेटिक डोर ओपन हो गया, इसको ऐसे क्लिक करो। वाओ यह ट्रेन आगे नहीं ये जाएगी, कृपया सावधानी से उतरें। टाइम है ना सर, कितना टाइम में जाएगा ये? 5 मिनट्स में। ओके, वैसे ये पूरा प्रीमियम क्लास सेक्शन है, देख लो थोड़ा अलग सा है। वापस से आपको टिकट 2 बार स्कैन करना पड़ता है अगर आपका ये क्लास में अगर जर्नी कर रहे हो तो। और यही मैं बता रहा था ना, ये जो अपना प्रीमियम क्लास है ना, इसका सेक्शन ही पूरा अलग है। आप अंदर से एक बार टिकट चेक करवा के अंदर आओगे, फिर दोबारा आपको टिकट चेक करके ये वाले सेक्शन में आना पड़ेगा। और ये अपना क्लास है, देख लो, चलो जाते हैं अंदर। वैसे तो ये जो जर्नी है आराम से बैठ के करने के लिए हम लोगों ने लिया है, लेकिन आपको ही पता है एज अ ब्लॉगर भाई आराम कहाँ, अपने को बस दिखाना है, जर्नी का एक्सपीरियंस लेना है। और एक बात मैं बता दूं, काफी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा बहुत ये मेट्रो वाला फील दे रहा है, लेकिन नहीं, मेट्रो से ये बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है मैं बता दूं, ये मेट्रो से काफी ज्यादा फास्ट है और मेट्रो से काफी ज्यादा दूर डिस्टेंस भी कवर करता है। वैसे मैंने सुना था कि मेरठ जाने के लिए दिल्ली से पहले लगता था 3-3 घंटे, 3.5-3 घंटे लग जाते थे, लेकिन इस RRTS के थ्रू अगर आप जाते हो आने वाले टाइम में, जब पूरे तरीके से पूरा कॉरिडोर वगैरह पूरा लाइन वगैरह अच्छे से रेडी हो जाएगा, तब आप इस RRTS से कवर कर सकते हो 3.5 घंटे के जर्नी को बस 50-55 मिनट में, मतलब 1 घंटे से भी कम में। बाकी सीट कंफर्ट कैसा लगा? ये रिक्लाइन भी होता है क्या? तो देख लो जी, अच्छा खासा रिक्लाइन हो जाता है ये। और सबसे बड़ी बात देख लो, यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट एंड USB का भी पॉइंट मिलता है आपको। और कर्टन्स देख लो यहाँ पे, वाओ, ये फील आपको मेट्रो में तो नहीं मिलेगा। और ये कंफर्ट, बाकी यहाँ पे आप बोतल होल्डर है और यहाँ पे आप अपना कुछ हैंग कर सकते हो, मैगजीन पॉकेट, कंफर्ट बढ़िया है ना। ये जब एक बार प्रॉपरली दिल्ली से कनेक्ट हो जाएगा ना, मेरे को ऐसा लग रहा है ना भाई इसमें पैर रखने का भी जगह ना मिले। सिग्नल हो चुका है एग्जैक्ट। एक्सेलरेशन फील कर रहा हूँ। गाजियाबाद नेक्स्ट स्टेशन इज गाजियाबाद, कृपया ध्यान दें ट्रेन की गति की दिशा में, दूसरा डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है, पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में न चढ़ें, ऐसा करना दंडनीय अपराध। भाई साहब अभी तो पूरा सीट खाली है, देख लो हमारे प्रीमियम क्लास में कोई नहीं है हमारे अलावा। ओहो नीचे देख लो, लोकल ट्रेन भी जा रहा है भाई, स्पीड चेक कर लो आप एक बार। ये तो निकलते ही 116-120 की स्पीड में आ गया। और वैसे मैं बता दूं, इसका जो अभी स्पीड कम हो गया क्योंकि गाजियाबाद स्टेशन आने वाला है, उसके बाद आएगा गुलधर दुहाई दुहाई डिपो, तो हम लोग शायद दुहाई तक ही जा रहे हैं ना, दुहाई तक जा रहे हैं, फिर टिकट लेके हम लोग जो नॉर्मल क्लास है इनका उससे आएंगे। अभी गाजियाबाद आने वाला है, ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। ओके, दरवाजा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली मेट्रो की तरह खुल जाएगा, आपको बटन प्रेस करना पड़ेगा। और मैं बता दूं, ये जो ट्रेन है ना, इसका जो स्पीड डिजाइन किया गया है 180 किलोमीटर पर आवर है। ये आ गया गाजियाबाद स्टेशन, दरवाजा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाए, मतलब जब हरी बत्ती जलेगी तभी आपको बटन दबाना है, ऐसा नहीं कि भाई आया नहीं पहले ही दबाना स्टार्ट कर दो। देख लो ये ग्रीन हो जाएगा, तब ये हो गया ना ग्रीन, अब आप इसको आराम से दबा सकते हो। और बाहर का भी ऑटोमेटिकली खुल गया है, बाकी ज्यादा देर रहेंगे नहीं भाई, डर भी लगता है। दरवाजे बंद हो रहे हैं, देखो अच्छा वो आ गया ना, दरवाजों से दूर हटकर खड़े हो, डोर्स आर क्लोजिंग, बट डोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, इसको आपको क्लोज नहीं करना पड़ेगा, सही है ना। बाकी यहाँ पे पूरा आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, देख लो, जैसे अभी हम लोग गाजियाबाद में, नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है गुलधर, फिर दुहाई, दुहाई हम लोग उतरने ही वाले हैं, मैंने बताया आपको। और गाजियाबाद से अपनी ये रैपिड रेल निकल चुकी है, बाय बाय गाजियाबाद। कोई अगर गाजियाबाद से मेरा वीडियो देख रहा है तो हाय हेलो ढेर सारा प्यार। वैसे अपनी इस रैपिड रेल का जो मैक्सिमम स्पीड है ना वो 180 है, लेकिन अभी ये जहां तक मैंने देखा है 150-160 ही चल पा रही है। अपने रैपिड रेल का जो एवरेज स्पीड है वो है बस 100, ये निकलते ही 120 टच कर गई। वाओ हो रहा है भाई, हो रहा है 130+। और इन्फॉर्मेशन आपको पूरा वहां भी मिल रहा है स्पीड का, अगर आप ध्यान से देखोगे ना स्पीड आप वहां भी देख सकते हो, 140 अभी हम लोग टच करने वाले हैं भाई, 141 144। ओहो ये क्या 150 हो जाएगा क्या? 150
ओ भाई 150 डन 150 डन। वैसे अपनी सीट पे तो बैठ गए हैं और सीट कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ ना तो काफी बढ़िया लग रहा है। और ये आ गया अपना दूसरा स्टॉप गुलदर। और अगर आप सीट पे बैठे हो ना तो आप ध्यान से देखो, आपको ये भी दिखा रहा है कि डोर कौन से साइड में ओपन होने वाला है। लाइक लेफ्ट साइड में ओपन होगा तो देख लो एरो इस वाले लेफ्ट वाले साइड बना है। बाकी लेग रेस्ट वगैरह तो अच्छा मिलता ही है। और ये मैंने दिखाया आपको वाटर बोतल होल्डर। ओवरऑल अच्छा लग रहा है, कंफर्ट मेरे को सच बता रहा है तो अभी तक तो काफी अच्छा लगा। आराम से इससे 100 किलोमीटर तो आप आराम से कवर कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आप आते हो तो देख लो ऊपर में सामान रखने का भी आपका है, क्योंकि आप अगर मेरठ जा रहे हो दिल्ली से मेरठ, आपके पास लगेज भी हो सकता है तो आप लगेज आराम से ऊपर रख सकते हो। बाकी कर्टन्स वगैरह तो है ही, होपफुली सब कुछ मैंने दिखा दिया। और यहाँ जैसे लोकल ट्रेन में मेट्रो ट्रेन में होता है ना ऊपर पकड़ के खड़े रहने के लिए, तो वो भी ऑप्शन है। अदरवाइज यहाँ भी आप आराम से पकड़ के खड़े रह सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये प्रीमियम क्लास है। प्रीमियम क्लास के जस्ट बाद वाला जो कोच है ना वो लेडीज स्पेशल है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी सब कुछ लगा हुआ है। अगर आपको केबिन में पायलट से बात करना है तो वो भी ऑप्शन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पे सारा लाइक बना हुआ है कि क्या क्या गलती आपको नहीं करना है। बाकी अपने स्टेशन आ गया दुहाई, निकलते हैं बाहर, एग्जिट होते हैं, फिर ट्रेन का टिकट लेते हैं तब आते हैं। फिर वापस आना पड़ेगा। चलो भाई निकलते हैं। ये निकल रही है अपनी ट्रेन, देख लो। जो भी बोलो छोटा सा जर्नी था अपना, मजा आ गया। अभी जाते टिकट लेते हैं वापस से आते हैं प्लेटफॉर्म पे। ब्लॉगर होने का ना कभी कभी फायदा भी मिलता है, हर चीज का एक्सपीरियंस लेने का मौका मिलता है। हाँ एक और बात है, यहाँ पे आपको टिकट संभाल के रखना होगा, नहीं तो एग्जिट मेरा टिकट है ना तुम्हारा नहीं तो एग्जिट होने में मुश्किल हो जाएगा। चलो जी एग्जिट होते हैं यहाँ से। ये देख लो महिला डब्बा में बोल रहा था ना, जो सेकंड वाला कोच होगा वो बस स्पेशली लेडीज के लिए ही होता है, तो ये चीज का आप ध्यान रख सकते हो अगर आपको लेडीज कोच में ही जर्नी करना है तो। कंफ्यूज होने का कोई रीजन ही नहीं है, एकदम आराम से देख लो, अच्छे से मार्किंग भी है। बाकी ये सारा जनरल है, कोई भी जा सकता है। इतना ध्यान रखना है ये जो टिकट है हमारा, ये जब आप टिकट लेते हो जब आप इसको आओगे ना स्कैन करवाकर, तो नॉर्मल टिकट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रीमियम क्लास है ना तो इसको आपको दो बार स्कैन करवाना पड़ता है, तो ये चीज का आप ध्यान रखना, इसको संभाल के रखना, नहीं तो स्टेशन के अंदर लॉक ना होना पड़े आपको। वैसे है भाई काफी लोग हैं हेल्प करने के लिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। इसको तो संभाल के ही रखना आप लोग, नहीं तो आप कहीं नहीं जा पाओगे। अभी वापस से वहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं। ये देख लो टिकट वेंडिंग मशीन, फटाफट टिकट निकालते हैं बाय टिकट। अभी देख लो हम लोग प्रीमियम क्लास से गए थे ना, अभी हम लोग जाएंगे स्टैंडर्ड क्लास से। स्टैंडर्ड क्लास का जो टिकट है साहिबाबाद का ही लेना, 40 रुपए। सिंगल जर्नी है, दो टिकट चाहिए हमें, यूपीआई के थ्रू पेमेंट करना है, तो फटाफट पेमेंट करते हैं। पेमेंट हो गया भाई अपना, ये देख लो टिकट आ चुका है अपना, दो दो टिकट ये लो। अब यहाँ पे पूछते हैं आपको रिसीट चाहिए कि नहीं, तो हाँ भाई चाहिए हमें। अभी देख लो अभी हम लोगों ने प्रीमियम क्लास के लिए पे किया था 80 रुपीज साहिबाबाद टू दुहाई। अब दुहाई से साहिबाबाद जा रहे हैं उसके हाफ में, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे हैं स्टैंडर्ड क्लास से, तो टिकट ले लिया हम लोगों ने जाते ऊपर। अभी सिक्योरिटी है तो कैमरा करते हैं बंद। चलो जी अब वापस से एंटर करते हैं, प्रोसेस एकदम सेम होगा। ये है अपना प्लेटफॉर्म नंबर 3, इसी पे आ रही है साहिबाबाद जाने के लिए अपनी ट्रेन। देख लो अपना प्रीमियम टिकट रहता ना तो हमें वापस से अपना टिकट को स्कैन करके जाना पड़ता उधर, क्योंकि उसका सेक्शन ही पूरा अलग है। बट हम लोग का अभी स्टैंडर्ड टिकट है, जैसा होता है ना अपने वंदे भारत में एग्जीक्यूटिव क्लास चेयर कार, तो अगर आपको चेयर कार में जाना है तो आपके लिए ये है। हाँ हाँ ये दुहाई, आपको दुहाई दुहाई से गाजियाबाद जाना है क्या? हाँ तो यही है, नहीं। प्रीमियम है क्या आपका? नहीं नॉर्मल है। अभी देख लो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्टैंडर्ड क्लास में, और स्टैंडर्ड क्लास में फर्क यही लगा मेरे को, सीट का कलर देख लो, एक तो काफी अलग है। इसमें आपको चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाएगा यूएसबी वाला, उसमें जैसे प्लग इन वाला सिस्टम था ना इसमें आपको यूएसबी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलो जी अभी अपने सीट पे बैठते हैं और आपको कंफर्ट दिखाते हैं। अभी आ चुका हूँ मैं अपने स्टैंडर्ड क्लास में, इसका जो सीट कंफर्ट है ना थोड़ा तो फर्क है भाई, उसका कुशनिंग काफी अच्छा था प्रीमियम वाले का,
सिंपल सा बात है, अगर आप डबल पैसा दोगे तो कुछलिंग तो अच्छा होगा ही होगा। वैसे एक बात तो बोलना पड़ेगा, ये जो रैपिड रेल है ना फ्रीक्वेंट है, ऐसा नहीं है कि भाई रुक रुक के आ रहा है, काफी वेट करना पड़ा हमें, फटाफट आ रहा है। लेकिन और सबसे मेन बात, ये जो सीट है ना ये फिक्स सीट है, ये रिक्लाइन नहीं होता है। और बाकी सामने की तरफ देख लो, आपको बोतल होल्डर नहीं मिलेगा, वो मैगजीन होल्डर नहीं मिलेगा, ऊपर की तरफ मस्त आप अपना सामान रख सकते हो। और प्रीमियम क्लास स्टैंडर्ड क्लास में एक और फर्क है कि आपको ब्लाइंड्स नहीं मिलता स्टैंडर्ड क्लास में। अदरवाइज ये किस लिए पता नहीं मेरे को, क्या मोबाइल रखने के लिए? हाँ, चार्ज लगा के मोबाइल यहाँ पे रख दो, ये भी सही है। वैसे सारा लाइक आपको स्क्रीन वगैरह इसमें भी सेम मिलता है जैसा कि आपको प्रीमियम क्लास में मिलता है। वही अनाउंसमेंट हो रहा है, नीचे की तरफ हाईवे भी है देख लो, ये ग्रीन हो गया तभी आपको क्लिक करना है। थंबनेल के लिए भाई एक फ्रंट के साथ तो एक फोटो तो चाहिए ही। ये देख लो इसका फ्रंट लुक है भाई, क्या लग रहा है यार, प्राउड होता है भाई ये देखकर। और अपने इंडिया का फ्लैग भी वहाँ पे दिख रहा होगा आपको, वाह। आप बोल सकते हो ये अपने इंडिया का ना सबसे हाई स्पीड रेल है। ये होने वाला है पूरा इसका रूट अभी, जो अभी ओपन होने वाला है। अभी तो फिलहाल यहाँ से यहाँ तक का जर्नी हो रहा है, ये वाला सेक्शन ही ओपन है। आने वाले टाइम में देख लो, ये पिंक लाइन, ब्लू लाइन और ब्लू एंड पिंक लाइन, ये सबसे भी कनेक्ट होने वाला है। चलो जी अब एग्जिट करते हैं, बाकी अब इधर आए गए हैं तो वॉशरूम भी दिखा देते हैं। बाकी अभी इनके वॉशरूम में गए थे, वॉशरूम के अंदर तो ज्यादा सूट कर नहीं सकते थे क्योंकि काफी लोग थे अंदर। अच्छा बनाया है, मतलब साफ सुथरा है, एयरपोर्ट स्टाइल का तो नहीं है लेकिन जैसा नॉर्मल साफ सफाई अच्छा रहता है वैसा ही है। वैसे ड्रिंकिंग वाटर देख लो पूरा एयरपोर्ट स्टाइल में लगाया गया है। बाकी यहाँ पे ना पूरा मैप बना हुआ है, चलो वो दिखाते हैं आपको। वैसे आप देख सकते हो ये जो रेड लाइन है ना ये दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है, और जो ब्लू लाइन है वो दिल्ली अलवर कॉरिडोर है, एंड जो ग्रीन लाइन है वो दिल्ली पानीपत है। भाई देख लो ऐसा पूरा बना हुआ है मस्त, ब्लू वहाँ रेड, क्योंकि मेरठ लाइन अलग है मैंने बताया आपको, अलवर का अलग है, पूरा मॉडल तैयार किया गया है देख लो। आने वाले टाइम में जैसे हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है ना, आप अंदर ही अंदर देख लो पहुंच सकते हो सराई कले खान आरआरटीएस स्टेशन, आप वहां जा सकते हो। फिर वहां से अपने लिए आप मेरठ के लिए, पानीपत के लिए या फिर अलवर के लिए रैपिड रेल आप ले सकते हो। पूरा मॉडल यहां पे बताया गया है, आप अच्छे से देख लो समझ में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बस स्टैंड से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी आपको मिलेगा, स्टेशन से भी कनेक्टिविटी मिलेगा। और जैसा ये चल रहा है, जैसा ये डेवलपमेंट चल रहा है, हमको लग रहा है आने वाले टाइम में एयरपोर्ट तक भी ऐड ना हो जाए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आते वक्त मैं आपको ये भी दिखा दूंगा कि इसको आप कैसे यूज कर सकते हो। भाई एकदम सिंपल है, प्लीज एंटर आइटम नंबर आपको दबाना है, और आइटम नंबर देख लो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है 13, तो यहाँ पे लाइक आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये देख लो आ गया ना नीचे, ये 10 रुपए का एक आलू भुजिया का पैकेट, सिंपल है, बस आपको कुछ नहीं करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना वो नंबर डालना है, ऑटोमेटिकली बता देगा वहाँ पे प्राइस कि इसका 10 रुपया प्राइस है या 15 रुपया, स्कैन करके आप पेमेंट कर लो, बस हो जाएगा आपका, आपको भुजिया मिल जाएगा। अभी एग्जिट करते समय मैंने देखा वहाँ से हम लोगों ने टिकट लिया था ना, अदरवाइज आपको अगर ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ से भी टिकट ले सकते हो। अभी फिलहाल मैं साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन के बाहर आ गया हूँ। चलो जी अभी रूम तो वैसे आ गए हैं, और रूम आते ही ना भाई साहब बहुत जोर का भूख लग गया था, एक तो हम लोग उठे लेट, फिर काम करने में बिजी हो गए, फिर उसके बाद निकल गए और कुछ खाना पीना भी अच्छे से हुआ नहीं हमारा। आते ही हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर लिया है, फटाफट दिखा देता हूँ क्या क्या है। ये देख लो आते ही हम लोगों ने खिचड़ी ऑर्डर कर लिया है, ज्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया हम लोगों ने क्योंकि हल्का खाकर अभी सो जाएंगे, सुबह उठना भी है, कल फ्लाइट भी है हमारा। बाकी अपने चैनल पे ना कल से आएगा नेपाल सीरीज, और नेपाल सीरीज का कहने का मतलब है नेपाल में जा सकते हम लोग कितना 4 से 5 दिन है, इतने दिनों में जो भी अच्छे से कवर हो पाएगा ना करेंगे, जैसे कि काठमांडू तो खैर अपना करना ही है, और इसके अलावा पोखरा भी जाने का हमारा प्लान हो रहा है, लेट्स सी देखो कैसे करते हैं। जा तो रहा है फ्लाइट से, आएंगे कैसे कोई आइडिया नहीं है अभी तक, तो वो आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चल जाएगा, फिलहाल ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। वैसे आज का ये जो जर्नी था ना वो काफी कमाल का था, और जैसा कि मैंने बताया पूरे वीडियो में बहुत प्राउड होता है ये सब चीज देखकर, तो आपको भी मौका मिले एक बार जरूर कवर करना। बाकी बस यही था आज के वीडियो में, अगर यहां तक देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो ये जो नीचे सब्सक्राइब बटन है इसको क्लिक करके बन जाना इस फैमिली का हिस्सा।
तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। यार वाह क्या क्या शानदार है यार, कमाल का सफाई जो थी ना। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, जो कि आधा ईमान सफाई में है, और वो देखने को मिली। यार भाई जितना अभी उधर विजिट करवाया टोटली नीट एंड क्लीन चीजें थी भाई, खूबसूरत तो है ही है सफाई। अच्छा एक और चीज, पर उधर हजूम नहीं था यार, लोग नहीं थे। हाँ बिल्कुल भी नहीं थे, कोई एक आदमी नहीं। मेरे ख्याल में इसका नया नया उद्घाटन हुआ, इस वजह से ज्यादा होने चाहिए थे, ज्यादा होने चाहिए थे शायद। ये मैं शौक वो असल में कह भी रहा था कि भाई जो है ना उसका जो स्टेशन है ना वो थोड़े ही अभी ओपन हुए हैं। हाँ थोड़े ज्यादा नहीं है यार, इस वजह से मैं भी 2023 में बहुत से जो है ना सर जहाँ प्रोजेक्ट किए हैं। अच्छा भाई जब पहुंचा है, मैं एक मिनट है, जो रेलवे का इनका जो है ना सिस्टम वो बड़ा जबरदस्त, इसको इसको चार चांद पे लगा दिए हैं। और इसके अलावा इन्होंने आदित्य आलवान और चंद्र जो है ना वो आदित्य आलवान और जो इनका जो था चंद्रयान 3 सॉरी वो इन्होंने जो किए ना सक्सेसफुल उनकी लैंडिंग की है, उनसे भाई इनके ना पूरी दुनिया दीवानी हो गई। अच्छा एक और बात, अब बात जब वो भाई आया ना स्टेशन पर रेलवे स्टेशन का, उधर चेक किया कितनी बड़ी पार्किंग थी और टफ टाइल लगी हुई थी, कितनी साफ सुथरी टफ, और साथ साथ गमले रखे हुए भाई, गमले इस तरह के मारे तो गमले में पौधे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यकीन करते मैं गया हूँ फैसलाबाद एयरपोर्ट पे, एक भाई दोस्त था उसको छोड़ने गया था, ऐसे लग रहा था जैसे हम किसी कबाड़ खाने आ गए। भाई आप मैं हाँ अंदर जो थी ना जहाँ रिसेप्शन वगैरह वास खूबसूरत नहीं है सफाई है खूबसूरत, मैं नहीं उधर कौन सा फैसलाबाद का ये नॉर्मल चाय भाई यहाँ पे कौन सा इतना दो चार फ्लाइटें आती है अबू धाबी से आ जाती है उसके बाद कराची से ये। अच्छा अब भाई मैंने अपनी लाइफ हिस्ट्री में ये पहले मैंने देखा किसी स्टेशन रेलवे स्टेशन पर एस्केलेटर भी लगा, सीढ़ियाँ भी हैं ही हैं, एस्केलेटर भी चल रहा है भाई, ये तो मोस्ट एडवांस हो गया भाई यार, कमाल है ये मोस्ट एडवांस हो गया भाई जी। अब हम इस पर तारीफ ना करें तो और क्या क्या है? हमने देखी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं देखे हमारे एयरपोर्ट्स पर नहीं। मैंने एक ब्लॉग बनाया तो उसमें मैंने अपनी पाकिस्तान रेलवे जो है ना उसकी थोड़ी सी क्लिप वो ऐड किया जैसे मैंने ऐसे ही है जैसे छकड़ा गाड़ी गाड़ी चल रही है दूर से रोती हुई आ रही है, और वही दस अपने अंग्रेजों का सिस्टम, अगर शेख रशीद साहब आज जिंदा होते यानी कि इक्तदार में होते ना तो आज ये जो घसी पीटी ट्रेन है ये भी ना होती। अच्छा फिर तो ट्रेनों के मामले में मैं यही कहूंगा कि इंडिया जो है ना इसने बहुत ज्यादा तरक्की की है, और ये तो भाई साहब उन्होंने फास्टेस्ट रैपिड जो ट्रेन है वो उन्होंने बड़ी जबरदस्त किस्म की बनाई, और ऊपर से भाई उसका ये है कि जो है ना ऐसे कह रहे हैं ये चीजें साफ सुथरी उन्होंने बड़ी रखी हुई है भाई, वो उसकी कदर करते हैं अभी तक तो साफ है लोग जो। अच्छा फिर साफ रखे फिर टिकट चेक। अच्छा फिर पीएम मोदी साहब को उधर वो बनाया हुआ था उससे क्या कागज से या गत्ते से बनाया हुआ स्टैचू भी था उसको भी नहीं वैसे ये जो है ना डिजिटल का इंडिया तो मोस्ट एडवांस कंट्री बन चुका है ना डिजिटल हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ भी अब जो टिकट लेने का है वो थोड़ा बहुत हमारा भी होता जा रहा है। अब बैंक में जाए ना तो वहां पर भी टिकट ले जो है ना वो एक टिकट लेनी पड़ती है कि आपको क्या टोकन कह लें टिकट वही एक बात ही होगी ना कि आपने से कैश लेना है कैश जमा करवाना है क्या काम करना है वो आपने खुद सिलेक्ट करना होता तो आपको मिलता है, यानी कि थोड़ा बहुत हमें भी हम चेंजिंग महसूस हो रही है थोड़ी सी। वो बैंकिंग जो है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं या जो उनको रन कर रहा होता है वो सब सारा होते हैं इनर, यानी कि बैंकिंग सिस्टम जो सारा आपका यूरोप की तर्ज पर, इस वजह से ये थोड़ी सी उधर बेहतरी आ गई है, और जो आपका रेलवे है वो फॉरिनर के अंडर नहीं है, वो शेख रशीद जैसों के अंडर है, इसलिए उनके अंदर बेहतरी नहीं है, ये फर्क है ये मान के चलो। हमारे यहाँ ना सिर्फ लाहौर में एक मेट्रो बनी तो मैं एक दफा लाहौर में गया, जिंदगी में एक ही मरतबा गया था, बड़ा लाहौर के बारे में सुना था यार मेरा तो ये ड्रीम बन गया। अच्छा उसकी जो टिकट लेने का सिस्टम है वो बेहतरीन था, उसके बाद वो जा रहा है अपना रोना भी तो रो लेने दें
कि मैंने एक सर उसको मैं वहां पर मेट्रो देखे, मैं हैरान हो गया यार ये कि लाहौर कितना शानदार। जो इंडियन भाई आए हुए थे अंकल, वो कहते थे कि अगर ये आपका लाहौर इतना मतलब मानते हैं ना कि खूबसूरत सिटी है, तो फिर ये काफी भी नहीं। वो सिंह साहब उसका नाम भी असमृत क्या उसका कोई नाम भी था। तो वह उनकी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो इंडियन जो सिटीज हैं वो कितनी एडवांस होंगी, जो देखने में मिल रहा है। और फिर उसकी सीट उसका वॉशरूम उसमें पूरा नहीं दिखा सका। अच्छा वो भी खाली थी जो है ना, और उसके अंदर जो सीट थी ना वो अभी तक कैसे थे नीट एंड क्लीन और शानदार, कि भाई पूरे इंटरनेशनल लेवल की लुक दिखाई देती है। सारी की सारी सहूलतें जो कि एक मुसाफिर को भाई चाहिए होती हैं वो उधर मौजूद है। साकेट मौजूद है, हुक मौजूद है, रोटेट टेबल सीट मौजूद है, सफाई सुथराई मौजूद है, इन टाइम गाड़ी आ रही है, इन टाइम गाड़ी जा रही है, पाबंदी है, ऑटोमेटिक डोर है, कितनी उनकी तरीके करो, ये वही सारी सहूलतें हैं। सॉरी खूबसूरत है भाई, शानदार की सहूलत हमें भी कभी मिलेगी ख्वाहिश कर सकते हैं। मिलता है वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।